दोस्तों नमस्कार। आज की शॉर्ट वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब व्हाइल अवे का सही मतलब जानेंगे। ज़्यादातर लोग इसका मतलब दूर होना, दूर रहना या दूर हटना समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। इसका सही मतलब होता है टू स्पेंड टाइम लेजरली, टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, यानी बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी फिक्र के समय व्यतीत करना, समय बिताना। आम बोलचाल में हम इसे बेफिक्री से समय बिताना कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स के जरिए इस फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझते हैं। वह अपना समय बेफिक्री से नहीं बिताता, यानी बिना चिंता के नहीं बिताता, उसको चिंता लगी रहती है। आप इसे कहेंगे ही डजंट व्हाइल अवे हिज टाइम, ही डजंट व्हाइल अवे हिज टाइम। एक और एग्जांपल देख लीजिए। वह अपना समय बेफिक्री से बिताना चाहती है। आप इसे कहेंगे सी वॉन्ट्स टू व्हाइल अवे हर टाइम, सी वॉन्ट्स टू व्हाइल अवे हर टाइम। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, उसके सभी बच्चे बेफिक्री से समय बिताते हैं। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।